नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसकी वैकेंसी खुली हुई है। टोटल 210 पोस्ट है। सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एज लिमिट जो है वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 साल तक होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी बनेगी वो 63,000 के आसपास बनेगी पर मंथ तक। इसकी एलिजिबिलिटी इतनी है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश की टाइपिंग मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सर, फीस कितनी होगी? जनरल वाले और ओबीसी वाले, इनको 500 रुपये की फ़ीस देनी होगी। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर्स हैं तो 250 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और इसकी जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये खुल चुकी है 18 जून से, यानी आज ही से। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज ही ये पब्लिश हुआ है और आज ही से इसका ऑनलाइन फॉर्म खुल भी गया है। क्लोजिंग डेट इसकी 10 जुलाई है। एग्ज़ाम कैसा होगा? एग्ज़ाम इसके पाँच पायदान पे हैं, पाँच स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे, इसमें 25 क्वेश्चन जनरल मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत आंसर करने पर 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में कंप्यूटर का टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। मैं आपको ये बता दूँ कि ये 100 क्वेश्चन और ये कंप्यूटर का टेस्ट, ये दोनों का कंबाइंड टाइम ही 2 घंटा है, इसके लिए अलग से कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी 100 क्वेश्चन में ये 50 इंग्लिश पूछ रहे हैं, 25 मैथ्स पूछ रहे हैं, 25 जीके पूछ रहे हैं, है ना। और इसी में अगला टेस्ट होगा कंप्यूटर टेस्ट का, जो 25 क्वेश्चन का होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा 125 क्वेश्चन जो है ये 2 घंटे में आपको करना है, 1/4 मार्किंग है। जब आप ये पास कर लेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में ये आपको 10 मिनट देंगे, 10 मिनट में आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। आपको बता दूं कि आपकी जो एरर है वो 3% तक हो सकती है, मिस्टेक्स जो होती हैं टाइपिंग के दौरान 3% तक की अगर आप एरर करते हैं तो चल जाएगा, इसके बाद की अगर एरर करते हैं तो दिक्कत है। और इसमें जो टाइपिंग मांगी है इसमें हिंदी की कोई टाइपिंग नहीं है, इसमें सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग होनी है और मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट का है। मिनिमम का मतलब ये है कि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है, इसके बाद मतलब इससे ज़्यादा होगा तभी बात बनेगी। इसके बाद दोस्तों जब आप टाइपिंग निकाल लेंगे तो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी कि लिखना होगा और ये पूरा का पूरा इंग्लिश में ही होगा और इसके लिए आपको अलग से 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, प्रेसी लिखने के लिए आएगा। प्रेसी का मतलब होता है बहुत बड़ी स्टोरी को पढ़ करके छोटा कर देना। इस तरह से पैसेज होता है, पैसेज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, वोकैब होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास कर लेंगे इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो इन सभी स्टेप्स को पार कर लेंगे उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें आपका नाम अगर आया तो आप पास हैं, नहीं आया तो नहीं है। समझ गए दोस्तों, इतनी सारी बातें इसमें थी। इसके अलावा आपको फोटो और सिग्नेचर मैं बता दूँ कि जब आप इसमें भरेंगे तो फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो आपका फोटो है और जो आपका साइन है वो विद इन, है ना, 50 KB के आसपास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, इसका आपको शेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस PDF में ये देखिए सारी बातें मैंने आपको जल्दी से बता दी है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट हो। दोस्तों, डिस्कशन विद मनोज के चैनल में मैं यही करता हूँ, यहाँ पर हर चीज़ को बहुत जल्दी, और अगर किसी में टाइम लगा तो लगा, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको दोस्तों अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और भी सारे वीडियो इस तरह से बनाने रहूँगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो डिपार्टमेंटल हैं, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप जो देखते हैं कि अपर एज लिमिट है ये जनरल वालों के लिए होती है। ठीक है, बाकी SC ST के लिए जो छूट होती है वो रहती है। जैसे SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, OBC नॉन क्रिमिनलर को 3 साल की छूट मिलती है, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल की छूट मिलती है, तो वो उनको मिलेगी। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके लिए तो एज लिमिट है ही नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस में है सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके तो उनके लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। ठीक है, और अगर आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप यहाँ भरना चाहते हैं तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। SC वालों को SC सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ST वालों को ST सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, OBC वालों को नॉन क्रीमी लेयर में अगर वो हैं तभी वो लगा सकते हैं सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप को मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन को डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये सारे सर्टिफिकेट इसमें लगते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑनलाइन है तो आपको देख ही लिया है आपने। ठीक है, और अगर इसमें कुछ भी जानकारी अब बची नहीं है, ठीक है दोस्तों, और सारी जानकारी आपको ये जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये आपको SMS और ईमेल के थ्रू बताएंगे, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इनकी वेबसाइट है, ये मैं आपको लिंक में भी दे रहा हूँ, इसमें जाकर के आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई भी
ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मैंने एक जगह पर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।